हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टिकट कैसे कैंसिल करेंगे। यदि मान लीजिए आप टिकट बुक कर लिए हैं, यदि उसे आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैसे कैंसिल करेंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। आपको हम इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि आप टिकट कैसे कैंसिल करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम रेलवे के ऑफिशियल साइट पर। उसके बाद यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रेलवे का डैशबोर्ड खुल के आ चुका हुआ है ऑफिशियल साइट। यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना यूजर आईडी और नीचे पासवर्ड भर लेंगे। चलिए हमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं। चलिए हम नीचे कैप्चा कोड जो दिया है यहाँ पर भर लिए हैं। उसके बाद सिंग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए हमारा लॉगिन हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले जाएंगे माय अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा है माय ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे फिर से इसके बगल में पॉपअप हो रहा है बुक ए टिकट हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बुक ए टिकट हिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर जितना भी आप टिकट बुक किए रहेंगे यहाँ पर सारा यहाँ पर शो करने लगेगा। इसमें से आप उसको चेक करके अच्छे से उसके बाद यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे PNR यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे हम जो दिया हुआ है नीचे वाले टिकट को हम कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे PNR वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो नंबर दिखा हुआ है यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंसिल टिकट। यहाँ पे कैंसिल टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना टिकट कैंसिल कर सकते हैं। चलिए हमें कैंसिल नहीं करना है फिलहाल, हमें तो बताना था टिकट कैसे कैंसिल करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी टिकट आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको वहाँ पे एक पॉपअप होके आ जाएगा आपका कितना आपको पैसा रिफंड होगा। वहाँ पर पूरा लिख कर आ जाता है कि मतलब 2-3 दिन में आपका पैसा आपके वॉलेट में, आपके जिस भी माध्यम से आप पेमेंट किए हैं उसमें आपका पैसा ऐड हो जाएगा 2-3 दिन में। तो आशा करते होंगे दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे टिकट कैंसिल करते हैं। इस तरह से आप कोई भी टिकट कैंसिल कर सकते होंगे। चलिए, वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।